जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं विभिन्न एग्जामों में ये पूछे हुए कुछ इन शब्दों का हमने संकलन किया है। दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे पुराने भी जितने भी साथी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं बहुत सारे वीडियो निरंतर अपलोड कर रहा हूं, और साथ ही उसमें पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसकी लिंक दे रहा हूं, जिसे आप डाउनलोड कर सकें, आपके लिए और भी फायदा हो सके, और भी अन्य लोगों तक आप पहुंचा सकें, मित्रों तक पहुंचा सकें। इसी भावनाओं के साथ दोस्तों, आपसे फिर निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिनमें हिंदी भी पूछी जाती है, जिन एग्जामों में चाहे वो यूपी से संबंधित हो, राजस्थान से संबंधित हो, या मध्य प्रदेश, या कोई भी एग्जाम से संबंधित हो, कहीं प्रदेश से संबंधित हो, जहां पर हिंदी पूछी जाती है, उनमें ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो शब्द है कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में अनुचर कहते हैं, अनुगामी कहते हैं, या अनुयायी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है, किसी के पीछे चलने वाले को अनुचर, अनुगामी या फिर अनुयायी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो सभी को पता होगा कि उत्तराधिकारी होते थे राजा महाराजा, जब होते थे हमारे भारत में तब उत्तराधिकारी होते थे उनके। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह है, अगर व्यक्ति को कुछ जानने की या ज्ञान प्राप्त की चाह होती है उसे क्या कहेंगे हम, जिज्ञासा। व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा है ना। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी कई बार पूछा गया, अंतेवासी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, अंतेवासी। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है, जो पुत्र गोद लिया जाता है उसे दत्तक पुत्र, तो गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी। जहां जाना कठिन हो वो स्थान क्या है, दुर्गम। जाना कठिन हो वो क्या है, दुर्गम है। दोस्तों, कई बार पूछा गया ये, जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे कहते हैं चौराहा। क्या कहते हैं, चौराहा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिनके चार चार पैर होते हैं चतुष्पद या फिर चौपाया कहते हैं उसे। तो इनको याद करना है, हमें याद रखना है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। अगर आपने एग्जाम के टाइम एक बार ये वीडियो देख लिया या नोट्स पढ़ लिया तो जरूर आप सही करके आएंगे। जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो अनाक्रांत। क्या कहलाएगा, अनाक्रांत कहलाएगा। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो चिन्हित, जैसे हमें इस पे चिन्ह लगाया तो ये चिन्हित किया है ना। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त या फिर अभियोगी कहलाएगा, है ना। एक शब्द के लिए उसे अभियुक्त बोलेंगे। जिस पुरुष का ब्याह है ना हुआ हो, विवाह ना हुआ हो, जिसने अभी विवाह ना किया हो, वो कुंवारा, कुंवारा या फिर कुंवारा इस प्रकार से। जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, है ना। ऐसा रोग है जिसका इलाज नहीं हो रहा है, मतलब वो असाध्य रोग है, तो असाध्य। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, वो अनुत्तरित, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। जी हाँ दोस्तों, जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत, है ना। जिसका कहीं भी अंत ना हो वो अनंत। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके वो अनुल्लंघनीय हो जाएगा। जिसका कभी उल्लंघन ना किया जा सके अनुल्लंघनीय हो जाएगा। जिसका कोई अर्थ ना हो वो अर्थहीन। हम बोलते ना, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब वो कैसा है, अर्थहीन है, है ना, तो अर्थहीन हो जाएगा। जिसका जन्म अंडे से होता है अंडज, जिसका जन्म अंडे से होता है वो अंडज। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ है वो अंत्यज कहा जाएगा, अंत्यज, है ना। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो बड़े, मतलब बड़ा भाई के लिए क्या बोलेंगे, अग्रज बोलेंगे, है ना, छोटे के लिए अनुज बोलते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो ये तो दुर्दम या दुर्दम्य, है ना, ये हो जाएगा। जिसका निवारण ना हो सकता हो वो असाध्य हो जाएगा। जिसका परिहार ना हो सके, मतलब त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसे कहेंगे हम अपरिहार। क्या कहेंगे, अपरिहार कहेंगे। जिसका माँ बाप हो ना हो, जिसके माँ बाप ना हो उसे क्या कहेंगे, अनाथ, है ना। अनाथ आश्रम आपने देखे होंगे, जिसके माँ बाप नहीं होते उन्हें अनाथ आश्रम में कर देते हैं लोग, है ना। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, उसे कहते हैं अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जिसका वचन
या वाचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, या वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अवर्णीय, अवर्णनीय या फिर अनिर्वचनीय। जिसका विवाह न हुआ हो उसे अविवाहित, जिसकी उपमा ना हो अनुपम या फिर अनुपमा, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो तो असीम, है ना, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है वो असीम हो गया। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लगाया जा सके वो हो जाएगा अथाह या फिर अगाध, अगाध हो जाएगा। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित, है ना, कुछ शब्द ऐसे होते जिसकी परिभाषा नहीं दे पाते तो वो अपरिभाषित शब्द है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित, उसे अप्रत्याशित कहेंगे। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि कहेंगे, अतिथि। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसे हम करोड़पति बोलते, अपन बोलते वो तो करोड़पति है, है ना, जिसके पास करोड़ों रुपया है वो करोड़पति। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय। कई बार एग्जाम में पूछा गया अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके सिर पर चंद्रमा चंद्र है उसे चंद्रशेखर बोलेंगे, है ना, चंद्रशेखर। जैसे शंकर जी के सिर पर चंद्र का निशान रहता ना, आपने देखा होगा उनकी मूर्ति, तो उन्हें चंद्रशेखर, उनका चंद्रशेखर पर्यायवाची हो जाता है। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे गंजा कहते हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप हिंदी से संबंधित हैं तो आप, मैंने महत्वपूर्ण रचनाओं 500 रचनाओं को संकलित किया है, पूरे हिंदी साहित्य से 500 श्रृंखलाएं छांट कर 5 वीडियो बनाए हैं, और पांचों वीडियो का एक वीडियो भी मैंने मास्टर वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और बहुत सारे हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो अपलोड हैं, और भी सब्जेक्ट के हैं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने व्यवस्थित। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहें, अक्षम्य। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसे जितेंद्रिय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जितेंद्रिय। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण, उऋण, है ना, जे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उऋण। जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय बोलेंगे। जिसे बुलाया ना गया हो, जो बुलाया, जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहते हैं, क्या कहते हैं, अनाहूत। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति, क्या बोलेंगे, अविस्मृति बोलेंगे उसे, जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति है। जिसे शब्दों में नहीं कही कहा जा सकता, है ना, तो उसे अकथनीय, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके अकथनीय कहलाएगा वो। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, जी हाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जिजीविषा। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम कुलीन कहते हैं, कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, अनुकरणीय, अनुकरणीय। जो अपने काम से जी चुराता हो कामचोर, जो अपने काम से जी चुराता हो कामचोर, जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे बोलेंगे आत्मनिर्भर, उसे क्या बोलेंगे, आत्मनिर्भर। जो अभी तक ना आया हो वो अनागत, है ना, अनागत है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अधः प्रसूत, है ना, अधः प्रसूत। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी, उसे क्या कहेंगे, अवश्यंभावी। जो अवश्य होगा ही वो तो अवश्यंभावी है, है ना। जो अवैध संतान हो वो कहते जायज, जारज। जो आगे दूर की ना सोचता हो अदूरदर्शी, क्या बोलेंगे, अदूरदर्शी। जो आगे दूर की सोचता हो वो अग्रसोची या फिर दूरदर्शी कहेंगे उसे, दूरदर्शी। जो आगे की सोचता हो वो दूरदर्शी। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, है ना, हम आदर करते हैं बड़ों का तो आदरणीय बोलते ना, कि बड़े हमारे आदरणीय होते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक, क्या बोलेंगे उसे, आगंतुक बोलेंगे। जो इंद्रियों को बस में कर ले इंद्रिय, है ना, या फिर इंद्रिय निग्रहवान बोलेंगे उसे। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर या फिर अतिंद्रिय, अगोचर या अतिंद्रिय। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक। जो ऊपर कहा गया है वो क्या, ऊपर कहा गया, हम बोलते ना उपर्युक्त सभी, मतलब जो ऊपर कहा गया है वो उपर्युक्त। जो कभी नहीं और निम्न, मतलब नीचे, नीचे जो अपन बोलते निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो नीचे जो लिखे हैं तो वो नीचे उपर्युक्त मतलब ऊपर। जो कभी नहीं मरता अमृत या फिर अमर, अमर कहेंगे उसे। जो कम खर्च करने वाला हो, जी हाँ दोस्तों अगला है, जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहेंगे, मितव्ययी या फिर कंजूस। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्य च्युत, है ना। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, क्या कहेंगे, कल्पनातीत। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो अवैध बोलेंगे, अवैधिक बोलेंगे, है ना। जो काल से परे हो कालातीत, जो काल से परे हो वो कहेंगे उसे कालातीत। जो किसी वस्तु
या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो वो क्या कहलाएगा? आलोचक। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी, है ना, अज्ञ है या फिर अज्ञानी है जो कुछ नहीं जानता। जो क्षीण ना हो सके, अक्षय। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, अखाद्य बोलेंगे उसे अखाद्य। जो खाया जा सके, जो खाने योग्य हो वो खाद्य बोलेंगे उसे खाद्य। जो चिंता के योग्य ना हो, अचिंत्य या फिर अचिंतनीय, है ना। जो चिंता के योग्य ना हो, अचिंत्य या अचिंतनीय। जो छाती पेट के बल चलता हो वो उरग या फिर सर्प, उरग कहलाएगा या फिर सर्प कहलाएगा। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य अप्रत्यक्ष। जो दोबारा जन्म लेता हो, द्विज या द्विजन्मा, है ना, इनको याद रखना है। जो ना जाना जा सके वो क्या कहलाएगा? अज्ञे। जो ना जाना जा सके, अज्ञे। जो परंपरा से सुना हुआ हो, अनुश्रावक, क्या बोलेंगे उसे? अनुश्रावक बोलेंगे। जो परंपरा से सुना हुआ हो, अनुश्रावक। जो पराजित ना किया जा सके, अपराजे, है ना। जो पराजित ना किया जा सके, अपराजे। जो पहले कभी ना घटित हुआ हो वो अपघटित, अघटित, सॉरी अघटित। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व काम हो रहा है, अपन बोलते अभूतपूर्व काम हो रहा है जो कभी हुआ ही नहीं, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना हो वो अनुश्रुति, अनुश्रुत। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरधारी या फिर श्री कृष्ण, है ना। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय, है ना, जिसे बदला ना जा सके, जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जो बात छिपाई जाए उसे क्या कहेंगे? गोपनीय। जो बात छिपाई जाए उसे गोपनीय। जो बात जो बीत चुका हो उसे क्या बोलेंगे? अतीत। जो बीत चुका हो, अपन बोलते ना अतीत की बात ना करो, जो बीत चुका वो बीत चुका। जो भवन या घर गिर गया हो, खंडहर, है ना। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। जो मोल लिया हो उसे क्या बोलेंगे? क्रीत। क्या बोलेंगे? क्रीत। क्रय करते ना तो क्रीत। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसे क्या बोलते? अमानत। ये अमानत रखी है, है ना। जो विश्वास करने योग्य लायक ना हो उसे क्या बोलेंगे? अविश्वसनीय। जो व्यय ना किया जा सके, अव्यय। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक। जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत। क्या बोलेंगे उसे? अनवरत बोलेंगे। जो सदा से चला आ रहा है, चिरंतन या शाश्वत भी बोलते हैं, ठीक है। जो शब्द कुछ उदारता से देना जानता है, उदार मना बोलेंगे उसे, उदार मना। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, उदारदाता भी बोलते हैं उसको, उदारदाता। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला उसे अंतर्यामी बोलते हैं, याद रखो। जो समय पर ना हो, असामयिक, असामयिक, है ना, असामयिक बोलते हैं उसे, जो समय पर ना हो। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्माभिमत। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक, है ना। नेक्स्ट, तीनों कालों, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी बोलेंगे, त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। तीनों कालों को जानता है मतलब त्रिकालज्ञ है या त्रिकालदर्शी है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय, क्या बोलेंगे? आतिथेय। अभी यूपीटेट एमपीटेट में भी पूछा गया था अतिथि। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अतियुक्ति, है ना। अधिक या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द, पूछे ही जाते। अन्य से संबंध ना रखने वाला एकांतिक, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस, औरस बोलते उसे, औरस। आकाश चूमने वाला गगनचुंबी, क्या बोलते उसको? गगनचुंबी, आकाश चूमने वाला गगनचुंबी। आदि से अंत तक, आधोपांत या आधांत, है ना। आभार मानने वाला, आभार मानने वाले को क्या बोलते हैं? हम आभारी बोलते हैं, आभारी। आलोचना बोलते ना, हम आपके आभारी हैं। आलोचना करने वाला क्या बोलते? आलोचक, है ना। ये तो बड़े, बहुत बड़े आलोचक हैं। आशा से अधिक जिसकी आशा ना की गई हो, आशातीत, आशातीत बोलते हैं उसको। इंद्रियों को बस में रखने वाला, इंद्रियों को बस में रखने वाला, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय भी बोलते हैं। इतिहास जानने वाला इतिहासविद, इतिहासविज्ञ या इतिहासकार बोलते हैं उसको। इंद्रियों से परे, इंद्रियों के पहुंच के बाहर, इंद्रियाति बोलते हैं। उपकार करने वाला उपकारी, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित। एक ही आदमी का अधिकार, एकाधिकार, एकाधिकार अपन बोलते उसका तो इतनी जमीन पर एकाधिकार है,
ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पर ढक जाए, सूर्य परा ढक जाए, खग्रास सूर्य ग्रहण है ना। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तदर्थ जीविका, तदर्थ जीविका कहलाती है ना। अगर सूर्य ढक जाता है तो खग्रास सूर्य ग्रहण कहलाता है ना। पूरा लिखा है ये, परा नहीं, मतलब पूरा सूर्य ढक जाए है ना, पूरा सूर्य ढक जाए खग्रास सूर्य ग्रहण। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तदर्थ जीविका, कम बोलने वाला अल्पभाषी मितभाषी कहलाएगा, और किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ, एहसान एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, थोड़ा जानता है अल्पज्ञ है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हो जाएगा दोपहर के बाद का समय, ये हमेशा पूछा जाता है दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, क्या बोलते हैं अपराह्न। हम देखते ना कि रात के 12 के बाद क्या लगता है, पीएम, रात के 12 के बाद सुबह के 12 बजे तक पीएम, उसके बाद एएम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, क्या बोलते हैं अंतरिक्ष, बोलते हैं उसे अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान त्रिशंकु है ना, त्रिशंकु भी बोलते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि का उपत्यका, उपत्यका बोलते हैं उसे उपत्यका। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता, अभिनेता बोलते उसे अभिनेता। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, अवैतनिक सबको पता है अवैतनिक। भगवान के सहारे अनिश्चित आय आकाश वृत्ति, आकाश वृत्ति। भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहत, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, किम कर्तव्य विमूण, उसे क्या कहेंगे, किम कर्तव्य विमूण कहेंगे। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, जो काम न सूझ रहा हो कोई काम, उसे किम कर्तव्य विमूण। हाँ, मूल घटाने की प्रक्रिया कहलाती है अवमूल्यन, क्या कहलाती है, मूल घटने की प्रक्रिया अवमूल्यन। राजनीतिज्ञों और राजदूतों की कला को कूटनीति कहते हैं, कूटनीति है ना। रूप के अनुसार मतलब अनुरूप, रूप के अनुसार अनुरूप, आप हम बोलते ना कि उसी के अनुरूप काम कर लो। लेखन अति उत्तम होना मतलब कलम तोड़ना, लेखन अति उत्तम होना कलम तोड़ना। वह कवि जो तत्काल तत्क्षण है ना, तत्क्षण कविता पर कविता कर डालता, उसे आंसू कवि कहते हैं, आंसू कवि। विकृत शब्द बिगड़ा हुआ शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश को कहते हैं बिगड़ा हुआ शब्द। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, उसे कूप मंडूक कहते हैं, क्या कहते हैं, कूप मंडूक, ठीक है। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला क्या कहलाता है, अपव्ययी कहलाता है, अपव्ययी। संध्या काल जब गाय चर कर लौटती है, संध्या और रात के बीच का समय कहलाता है गोधूली, क्या कहलाता है, गोधूली बेला, बोलते ना गोधूली बेला। सोच समझकर कारना करने वाला अविवेकी कहलाता है, वो अविवेकी। स्त्री जो कविता रचती है कवित्री, क्या बोलते हैं उसे, कवित्री। स्त्री पुरुष का जोड़ा पति एवं पत्नी दंपत्ति कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। इतने लगभग 100 से ज्यादा हमने यहाँ पर एक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द यहाँ पर पढ़े हैं, और ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनमें जरूर पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकते हैं। एक बार वीडियो आप देखेंगे सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। आने वाले जितने भी वीडियो होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, रचनाओं से संबंधित। मैंने हिंदी साहित्य के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, हिंदी व्याकरण के भी डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में देखें, मैंने व्यवस्थित प्लेलिस्ट बनाई है। और आप व्यापम से संबंधित अगर हैं, व्यापम एग्जाम मध्य प्रदेश की जो भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित, तो एमपीजीके से संबंधित मैंने वीडियो डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से जीके भी बताए हैं, उनको भी देखें। पर्यावरण बाल विकास के सारे प्रश्न देखें दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो कहां तक आपको उपयोगी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।